बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की हम बात कर रहे थे, जबकि आज का लेक्चर जो है और हमने आखिर में डिस्कस भी किया था दैट वाज विद दिस वन इज विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ या इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो स्टार्टिंग विद दिस के अगर हम इसको इंट्रोडक्शन करें, स्टार्ट करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, इज अ बॉडी ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। 144 लगती है ना, और लाइसेंस भी इशू होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू होता है, और आपकी जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी भी रजिस्ट्रेशन होती है, और आपको नादरा की जानिब से एनआईसी भी मिल रहा होता है, बे फॉर्म भी अवेलेबल होता है, मरने का और जीने की रजिस्ट्रेशन यानी पैदाइश का और फौतगी की रजिस्ट्रेशन भी हो रही होती है। दोबारा जरा समझिएगा, कहते हैं कि इट्स अ बॉडी ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि इट्स कंसिडर्ड टू बी अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। याद कीजिए, हम लोगों ने पब्लिक लॉ हमने पढ़ी थी, मुख्तलिफ ब्रांचेज ऑफ लॉ पढ़ी थी जिसमें फैमिली लॉ वगैरह वगैरह मुख्तलिफ थी, और उसमें से एक ब्रांच जो है वो पब्लिक लॉ भी है। देयर इज अनदर काइंड ऑफ ब्रांच विच इज नोन एज पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ डील्स विद दी पब्लिक एट लार्ज, लोगों के अमूमी मसाइल के लिए, आम अवामी मसाइल के को हैंडल करने का जो तरीका है वो पब्लिक लॉ के थ्रू होता है। पब्लिक लॉ एक इट्स अ ग्रेटर ब्रांच ऑफ लॉ, लेकिन हम लोगों के आम तौर पर मसाइल, जिंदगी का अहाता किए हुए जो मसाइल हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनको इट लुक इन टू इट। It deals with the decision making of administrative units of government. बहुत आसान बात है जनाब कि administrative units of government कौन से होंगे जो administration of public कर रहे होंगे। Administration of public कौन कर रहे होंगे? Administration of public करेंगे आमतौर पर जिन गवर्नमेंट एजेंसी से आपका राबता होता है, जिन एजेंसी से आपका वास्ता बनता है, वो जो एजेंसीज हैं, जिस तरह के मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अभी मैंने जिक्र किया कि बिजनेस करना हो, आपने फर्म बनानी हो, आपने कंपनी बनानी हो, मेरा वैसे इंटरेस्टिंग एरिया यही है, बैंक बनाना हो, बैंक में जाके आपको कोई मसाइल दरपेश आए, जॉब से मुतालिक आपको कोई मसाइल हो, आपकी जॉब में आपकी तरक्की एज पर पॉलिसी ना हो रही हो, पॉलिसीज बनाना और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, डिसीजन मेकिंग करना, क्यों कर किसी शख्स के की हक तलफी ना हो सके, उसको जो राइट्स हैं, उसके लीगल राइट्स हैं, फॉर द अश्योरेंस ऑफ समवन्स लीगल राइट्स, कैसे क्यों कर और हाउ कम द पीपल आर टेकन एज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। हम इस वक्त में एक बहुत बड़े लेवल पे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे बात नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल इज अ डिफरेंट लेवल। कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे जिसके साथ हम बात नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल डील्स विथ the skeleton of the legal framework, वो डिस्कस करेगा कि किस तरीके से, किस अंदाज में मुल्क के कानून बन रहे हों। और हम जब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो हम उसमें ये देख रहे होंगे कि किस तरीके पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों के की मदद कर रही हो, क्या तरीका हो कि अगर आपके पास पटवार खाने जाना है और पटवारी से आपने एक फर्द इशू करानी है, यानी जमीन की मिल्कियत के मुतालिक अगर आपने कुछ अपनी अपने आप को अश्योर कराना है कि
कोई एक प्रिसाइज जमीन जिसको आप खरीदने जा रहे हैं या जो आपकी अपनी है और आप उसको बेचना चाहते हैं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल के वो दुरुस्त तरीके पे रजिस्टर्ड हो, यानी ऐसा ना हो कि आप का जो 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 घर है जिसकी रजिस्ट्री आप जिसको आप रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसकी रजिस्ट्री आपके पास है, वो सेम घर के कागजात किसी दूसरे आदमी के पास ना हो. सो महकमा माल, ये काम महकमा माल का, महकमा माल अपने पॉलिसीज कैसे बनाता है कि डुप्लीकेशन ना हो पाए. मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं कि ऐसा तमाम एजेंसीज में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तमाम गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बनाई हुई कि किसी शख्सियत जाती ना हो, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन उसकी एक बड़ी आपको आसान एग्जांपल दूं. देखिए, आपके शहर में कितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हम एक डिवीजन में कितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिवीजन की बात कर रहा हूं, कितने बड़े, पांच. तो उन पांच ऐसे पांच, इफ देयर आर ओनली फाइव हॉस्पिटल्स ओवर देयर, बड़े हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट और जिसमें आपके मरीजों को ओवरनाइट स्टे मिल सकता है, या चलें दो होंगे इन ऑल. जब आपको कोई शिकायत होती है तो कहते हैं कि हॉस्पिटल में तो जो कोई जाता है वो फौत ही हो जाता है. पांच हॉस्पिटल में या दो हॉस्पिटल में रोजाना कितने लोग विजिट करते हैं, रोजाना के हिसाब से 10,000, 20,000, और उन 20,000 में से कोई एक शख्स फौत भी हो जाता है, जिसका तमाम मलबा होता है कि तमाम लोग जो हॉस्पिटल में जाते हैं वो फौत हो जाते हैं. बंदा हॉस्पिटल तो जाए ही नहीं, जाएगा तो फौत हो जाएगा. अपना इलाज खुद करवाएं, सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाए, वगैरह वगैरह टाइप की आपको राय सुनने को मिल रही होती है. लेकिन देखिए, 10,000 लोगों में से एक शख्स, डॉक्टर्स कभी ये नहीं कहते, हॉस्पिटल कभी ये क्लेम नहीं करता है कि हमारे पास जो शख्स भी आएगा वो हमेशा ठीक हो जाएगा और उसको उसकी जिंदगी जो है वो हम अश्योर करते हैं कि एक लंबे अरसे तक उसकी जिंदगी रहेगी. नहीं, दैट इज नॉट द केस. मे बी डॉक्टर्स हजरात जो है वो जान बचाने की कोशिश करते हैं, यानी जो ऑलरेडी डाउन हो, जो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग हो, जो ऑलरेडी टचिंग दी बेस लाइन हो, उसको वो बचाने की कोशिश करते हैं. और स्टैटिस्टिक्स कहते हैं 10,000 में से एक, सिंपल इनफ. इसी तरह अगर आप जाएं पटवार खाने में, जाएं पटवारी के पास जाएं, तो हर एक के साथ ज्यादती नहीं हो पाती, नहीं होती, नहीं हो पाती. तो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि वो हर एक के साथ ज्यादती होगी, वकील साहब के पास केस आएंगे, बड़ा मजा आएगा. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हर एक के साथ ज्यादती नहीं होती. हाँ, होती है, लोगों के साथ होती है, लेकिन ये नहीं कि तमाम लोगों के साथ ज्यादती हो रही हो. इवन पुलिस, बड़ी आसान सी बात है, अगर आपके घर के बाहर तीन चार लोग खड़े हों जिनके हाथ में पिस्तौलें बंदूकें हों, तो आप क्या बेहतर समझेंगे ये लोग कौन होने चाहिए, कोई और लोग या पुलिस वाले? मे भी किसी को बचाने के लिए आए हो, लेकिन बाकी तमाम सादा लिबास में अगर लोग खड़े हैं जो कि यूनिफॉर्म में नहीं है, जो कि पुलिस वाले नहीं है, तो आप रिकमेंड नहीं करेंगे कि हाँ ये लोग घर के बाहर खड़े रहे तो ठीक है. हम इसी हवाले से आगे भी देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो नेशनल रेगुलेटरी स्कीम सच एज पुलिस, इंटरनेशनल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वाले एनवायरमेंट टैक्सेशन को डील करता है.
टैक्सेशन को कैसे डील करेगा कि अगर आप, एक तो ये कि टैक्स देना चाहिए यार हमें, मैं इसी से एक जिसे कहते हैं ना बाय द वे बरसबील तस्करा जिक्र आ गया कि टैक्स देना चाहिए, टैक्स जो है वो हमारे अपने लिए ही होता है, ये इल्ज़ाम तो हमेशा लगाया जा सकता है और लगाते रहते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हॉस्पिटल में जाने वाला हर शख्स फौत हो जाता है, इसी तरह टैक्सेशन टैक्स वसूल करने वाले तमाम लोग जो हैं वो टैक्स खा जाते हैं और हमारा पैसा खा जाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा फर्क भी नजर आता है, क्या हमारे इलाकों में नए रोड्स नहीं बनते? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या नए रोड्स नहीं बनते? क्या हमारे इलाके में, हमारे शहर में नंबर ऑफ कार्स का इजाफा नहीं हो रहा? नंबर्स ऑफ कार्स इजाफा हो रहा है, इसका मतलब है कि रोड्स भी कुछ बन रही हैं। क्या हमारे इलाके में जो खाने पीने की अशिया की का कहत रहता है या कहत हो जाता है, एक्सेप्शनल डेज आर देयर, लेकिन क्या कहत हो जाता है? तो ये रेगुलेट किसने करना है और ये रेगुलेट किस अंदाज में होगा? इसके लिए कौन लोग, या हम, हमारे अपना पैसा होता है ना, हमारे अपना पैसा सर्कुलेट होके हमारे पास वापस आ रहा होता है। सो बहरहाल हम अगर इस हिसाब से बात कर रहे हो कि रेगुलेटरी स्कीम्स बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से क्या इंडस्ट्री में जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जो कि इंसानी सेहत के लिए, जानवरों की और इवन पौधों की सेहत के लिए एक नामुनासिब है, बुरा है, उसको, उससे मुतालिक किसी किस्म का कोई लॉ नहीं होना चाहिए? क्या वो एज इट इज जाया कर देना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उस कीमियाई फजले को ठिकाने लगाना चाहिए? तो जाहिर है फिर अगला सवाल होता है, लेकिन करता कौन है जी? अरे यार, जितनी इंडस्ट्री है, अगर वो तमाम इंडस्ट्री अगर अपने जो 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 वेस्ट मटेरियल है उसको जाया करना शुरू कर दे और तो हमारे पास तो पीने का पानी खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में, इतनी इंडस्ट्री है। तो फिर आपको एग्जांपल वापस लेके चलूंगा कि हॉस्पिटल में जाने वाले सारे लोग फौत नहीं होते, क्या आप या आपके जानने वाला कोई भी बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं चलाता? करना क्या चाहिए? सवाल आपके ऊपर छोड़ देता हूं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनको उनको फॉलो करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी के लॉज होते हैं, लिहाजा ये 20th सेंचुरी में बहुत वर्ल्ड वाइड फैलना शुरू हुए और मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज, सोशल सेटअप आपका, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, इसके साथ साथ इंक्रीज हुआ। बार बार सेम एग्जांपल, इशारा तोड़ेंगे और सारे लोग इशारा तोड़ के अगर चौक में इकट्ठा हो गए तो इसका मतलब है सब लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, लिहाजा लोग ऐसा समझते हैं, हम और आप भी ऐसा ही समझते हैं कि लॉज पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए और खास तौर पे उन लॉज पे इम्प्लीमेंट
वैसे तो हर लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उस पर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन खास तौर पे उन लॉज पे जरूर होना चाहिए जो कि आपके और मेरा टाइम बचा रहे हों, जो कि हमारी जो लीगल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हों, जिसकी वजह से हमें जहमत कम से कम हो या जहमत ना हो रही हो। आपके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के नहीं है, यंग लड़के लड़कियां आप लोग पढ़ रहे हैं। पूछिएगा अपने बड़ों से कि पासपोर्ट बनाने में जब उन्होंने किसी ने पासपोर्ट बनाया हो तो उसको कितनी जहमत हुई थी, NIC बनाने में क्या कोई जहमत हुई या नहीं हुई बड़ों की, और अब अपने आप को जरा कंपेयर कर लीजिएगा और आगे आपको लेके चलता हूं। बैंक अकाउंट खोलना है यार, जस्ट वन बैंक अकाउंट, और बैंक्स जो कोई भी फैसिलिटीज आपको दे रहे होते हैं वो तो उसके अलग है, लेकिन मतलब ओपनिंग ऑफ अकाउंट, आपका टेलीफोन का कनेक्शन लेना पहले और अब, और आप जिस फील्ड में है, मिसाल के तौर पे हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, 20 साल पहले 25 साल पहले जो एक्सपोर्ट करते थे उस एक्सपोर्ट के लिए किस कदर मुश्किल पेश आती थी, मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूं, आज के हवाले से 25 साल पहले कितनी मुश्किल होती थी। गैस का कनेक्शन लेना, बिजली का कनेक्शन लेना, बिजली गैस की शॉर्टेज है मान लिया, लेकिन इसके कनेक्शन लेने के लिए 20-25 साल पहले सीमेंट की अवेलेबिलिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो कि हमारे हमें हेल्प आउट करते हैं। पहले कितनी मोटरसाइकिल होती थी, कितनी गाड़ियां होती थी यार। सो आगे चलते हैं, कंसेप्ट पे आते हैं। वी आर एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे हम उसका कंसेप्ट देख रहे हैं, उसका नटशेल क्या है, उसका थीम क्या है। बहुत सारे अरसे में जो गवर्नमेंट का रोल है वो बढ़ता चला गया है, लोगों को आसानियां, हमें अब बड़ी आसान सी बात है, पहले क्या ऐसे ही होता था कि अगर किसी मुल्क में जलजला आ जाए, किसी इलाके में जलजला आ जाए, जंग हो जाए या सुनामी आ जाए, आपके अपने सामने की बात है, मैं इसलिए खास तौर पर आपको बता रहा हूं, तो जो लोग गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ देखते थे, सैलाब आने पे जब जमीन की वटबंदी टूट जाती है, दुरुस्ता नहीं हो रहा होता, दो खेतों के दरमियान में वटबंदी खत्म हो जाती है, तो लोग गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होते थे, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे, सैलाब आने की सूरत में एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे, जलजला आने की सूरत में एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे। अब नया पूरा शहर बना दिया सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। तो लिहाजा आजकल जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ पे, मोरल ऑफ पीपल, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, सोशल जस्टिस, कितनी खवातीन हैं जो कि पहले भी, सोशल जस्टिस के हवाले से बात कर रहा हूं, कितनी खवातीन हैं जो पहले जॉब्स कर रही थी, क्या ड्रास्टिक चेंज नहीं है, कितनी डॉक्टर्स, चले हम एक एरिया लेते हैं, जो जो आपके
मेडिकल कॉलेजेस हैं, इक्विलिटी आई है ना जी, तो मेडिकल कॉलेजेस में नेट खोलें, आप तो नए जमाने के लोग हैं, नेट खोलें, नेट खोल के स्टैटिस्टिक्स निकालें, कितने लोग हैं जो पहले, जितनी खवातीन हैं, जितनी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लड़कियां कितनी होती थी मेडिकल कॉलेज में और अब कितनी है, इंजीनियरिंग में पहले कितनी होती थी अब कितनी है, क्या सोशल जस्टिस में इम्प्रूवमेंट, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 100% तो नहीं है, और जाहिर है 100% की तरफ कोशिश करना हमारा अपना और हमारी हुकूमत का फर्ज है, लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं, सोशल जस्टिस है, हमारे माइनॉरिटीज की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान बेशतर जो है वो मुसलमानों पे मुहित है, क्या सोशल जस्टिस है, यानी गैर मुस्लिमों को तरक्की के बराबर के की अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, नेट पे बैठिएगा और देखिएगा कि हमारे पाकिस्तान में, मैं तो अपनी फील्ड के हवाले से बता रहा हूं, चीफ जस्टिस साहिबान क्या कभी कोई गैर मुस्लिम नहीं आया, टॉप मोस्ट पोजीशन लॉ के फील्ड की, टॉप मोस्ट पोजीशन, क्या कोई गैर मुस्लिम नहीं पहुंचा वगैरह वगैरह। सोशल जस्टिस नेक्स्ट देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का रोल रहा है, नाउ वी आर नॉट अ पुलिस स्टेट, गवर्नमेंट का जो रोल रहा है जिसमें फंडामेंटल राइट्स, आइंदा आने वाले उसमें डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में से किसी एक में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वन या उससे आगे के लेक्चर को डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देना, सालों सस्पेंड रहे हैं, क्या अब है, नहीं अब नहीं है, जब ये आपको ज्यादा वैसे आसानी से समझ आएगा कि जब हम इसको मजीद आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि मैंने आपको अर्ज किया है कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट या उससे आगे एक आध लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, और पुलिस का काम, मैं आपसे सच बोलूंगा, पुलिस का काम जो है वो क्या इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, मैं फिर 100% की बात नहीं कर रहा हूं, क्या इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, मीडिया अवेलेबल है और चले छोड़े मोटरवे पुलिस ले लें, जिन आप लोग अगर उन इलाकों में रहते हैं जहां से मोटरवे गुजरती है तो मोटरवे का एक अलग सेटअप बना है, मोटरवे पुलिस की एग्जाम्पल सामने है, लोगों को जो जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, नंबर ऑफ पार्क्स क्या इंप्रूव हुए हैं, वो मत कहिएगा, मैं एक्सपेक्ट, अब आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप कहेंगे कि हॉस्पिटल जाने वाला हर शख्स फौत हो जाता है, हॉस्पिटल जाने वाला हर शख्स फौत नहीं होता, जिस डेस्टिनेशन पे, जिस फासले पे आप, बड़ी मोटी सी एग्जांपल देता हूं, या लाहौर और इस्लामाबाद का जो फासला है 25 साल पहले, ये फासला 6 आवर्स प्लस में कवर होता था, अप टू 8 आवर्स, यानी आप दिन में एक ही काम कर सकते थे कि आप लाहौर चले गए या वापस आ गए, आप कितनी देर में होता है, थोड़ा सा सच बोलिएगा, जद्दी नहीं किया जाएगा, कुछ इंप्रूव हुआ है ना, कंटिन्यूटी विद द कंसेप्ट के उसी हवाले से हम आगे देखते हैं,
लोगों में सोशल जस्टिस की डिमांड बढ़ती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है. ये अल्फाज कहना ही के हमारा पासपोर्ट में 4 दिन लिखा हुआ है, आपने मुझे एग्जैक्टली साथ नहीं पता, 7 दिन होते हैं या 4 दिन होते हैं, तो 4 दिन फर्ज करते हैं कि 4 दिन लिखा हुआ है और अब 5 दिन हो गए हैं, ऐसी जो अपने राइट पे क्लेम करना, क्या हमारे बड़े करते थे? टेलीफोन के लिए, टेलीफोन के डिपार्टमेंट में आप जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप तो कहते हैं 24 घंटे में लगा देंगे फोन, 12 घंटे में फोन लगा देंगे, मुझे तो 3 दिन हो गए. 3 दिन मालूम कीजिएगा कितने महीनों का काम होता था फोन लगाना. लोग सोशल जस्टिस डिमांड कर रहे हैं. नेट फैसिलिटीज नहीं होती थी, होती ही नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी. मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन जिस तरह एक्सेस हो गया है हर शख्स को, बहुत अच्छी बात है, एक्सेस होना चाहिए, जैसे एक्सेस हो गया है ऐसे एक्सेस नहीं था. लोग सोशल जस्टिस अब एक्सपेक्ट करते हैं. इसी को आगे कंटिन्यूटी में लेके चलते हैं. सोशल डेवलपमेंट, यानी जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सोशल डेवलपमेंट चल रही है, लोग बेहतर. यार पिछले दिनों में कितनी सारी नई गाड़ियां आई हैं, लोगों का डिमांड है तभी तो आ रही हैं. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट विच इज नोन एज 660 सीसी गाड़ियां जो हैं, लोगों की डिमांड है तभी तो आ रही है, बहुत गाड़ी आई है. कुछ बहुत अच्छे, लेकिन कुछ सिटीज ऐसे हैं जहां के स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि हर हफ्ते 200 नई गाड़ियां रजिस्टर हो रही हैं, हर हफ्ते 200 नई गाड़ियां. बैंक में अगर आपको एक अच्छी तरह आपसे आपके साथ सलूक नहीं किया जाता, तो सोशल डेवलपमेंट है तो आप बुरा माना जाते हैं. और बैंक में अकाउंट बंद करने पे आ जाते हैं. बिल जमा कराना है यार, बिल जमा कराने का पता कीजिएगा पड़ों से, कितनी लंबी लाइनों में लग के और बिल जमा करा देते. क्या अभी आप 150-200 लोग लाइन में लग के बिल जमा कराते? सोशल डेवलपमेंट तो चल रही है, इंप्रूवमेंट इन सोसाइटी तो है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर, किस तरीके पे जो आपकी जो 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 ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कौन कौन से बनाए जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाएगी, वो अभी की एग्जाम्पल बता रहा हूं, नादरा पहले तो नहीं था. एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया, एक नए फंक्शंस उसको एलोकेट किए गए, नई पावर्स ग्रांट की गई, नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इट्स अ डिमांड ऑफ द पीपल. लोग ऐसा समझते हैं कि उनको उनके मसाइल को एड्रेस करना चाहिए, उनके मसाइल को एड्रेस होना चाहिए है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन चीजों को का अहाता करता है. ये नटशेल है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस.
वो प्रोसीजर बनाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो मेथड बनाता है कि उनको जब आप फॉलो करेंगे तो आपको आसानी मिलेगी, और ना सिर्फ ये कि आपको आसानी मिलेगी बल्कि जो 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 मैं आपको क्या किस तरीके से बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ वो भी अब्यूज ऑफ पावर नहीं कर सकती. दैट इज द करेक्ट वर्ड, अब्यूज ऑफ पावर नहीं कर सकती. अब्यूज ऑफ पावर का मतलब यह है कि जब आप जाते हैं किसी ऑफिस में, किसी बैंक में, और जो बैंकर है वो उसकी पावर है ना जी कि पहले जिसका भी चेक कैश कर दे और जिसका चेक कैश ना करे. मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, वो भी नहीं कर सकता. अब टोकन शहरों में खासतौर पर टोकन इशू हो गए हैं. आप बैंक में जाते हैं आपको टोकन मिलता है, नादरा में जाते हैं आपको टोकन मिलता है आपका, और आप बैठ जाते आपका टोकन कॉल होता है. दैट इज अब्यूज ऑफ पावर. अगर अपनी मर्जी से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब आप जाते हैं शहरों में, खासतौर पर यह चीज बड़े शहरों में शुरू हो गई है, और जाहिर है ये प्रीवेल करेगी कुछ अरसे बाद, लोअर साइड पे भी प्रीवेल कर रही होगी. जो अगर हमारा ताल्लुक छोटे शहरों से या हमारा ताल्लुक देहात से है तो भी ये हमारे पास आज नहीं तो कल ये पहुंच ही जाएगा. अपनी मर्जी से किसको चेक किसका क्लियर करना और किसका क्लियर नहीं करना ये अब पॉसिबल नहीं है बैंक के लिए. ये राइट है उस आदमी का जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा. कहने का मतलब ये है इस वक्त में इस कंसेप्ट से कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो ले डाउन करता है मेथड्स जिससे लोगों को आसानी वहां पहुंचेगी, और जो उन सेल्फ लीकिंग है यानी अपनी मर्जी इस्तेमाल करना यानी जो अब्यूज ऑफ पावर है वो अब्यूज ऑफ पावर को भी रोकता है. अगर आप जाएं पटवार खाने में और पटवार खाने से कहेंगे जनाब मुझे फर्द इशू कर दी जाए, तो उनका जो भी प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है, आफ्टर फुलफिलिंग इट वो ये नहीं कह सकते कि जी हम आपका आपको आपकी फर्द इशू नहीं कर रहे, दे नहीं रहे आपको आपकी फर्द. आप अपना जमीन रकबा बेचना चाहते हैं तो हम आपको आपकी फर्द नहीं देते. फर्द हो सकता है बल्कि बेशतर औकात में ऐसा ही होता है कि वो कुछ जायज नाजायज मुतालबात कर रहे होते हैं. लेकिन वंस यू स्टैंड अप फॉर योर राइट आपको आपका हक मिल जाता है. पता नहीं यार, मैं तो खासतौर पर देखता हूँ बतौर वकील, मैं तो देख ही रहा होता हूँ कि आपका सवाल जो एक्सपेक्टेड सवाल है उसके जवाब से दे रहा हूँ कि मैं तो देख रहा हूँ, देखता हूँ कि अदालतों में भी और लोग अपने राइट पे दे डू स्टैंड फॉर देयर राइट एंड देन फाइनली दे हैव इट. पहले नहीं होता था या इतना आसान नहीं था, अभी भी बहुत मुश्किल है. और ये मान लेना ही पहली सीढ़ी है कि अभी भी बहुत मुश्किल है. अभी भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में फेवरिज्म होता है. क्या सबके साथ होता है? एक्सेप्शनल केसेस उनके साथ जरूर है. और क्या उनके लिए क्या आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं? अगर आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो फिर तो बड़ा ही फिर लोगों को रिलीफ मिलता है. सिंपल इनफ, फिर लोगों को रिलीफ मिलता है. आई हैव सीन इट. आपको आपके हक के लिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं.
देखिए कंसेप्ट कितना रह गया उसके बाद आते हैं, ठीक है, कंक्लूजन पे आ गए तो मैं आपको बताता हूँ कि 9 बजे बैंक ऑपरेटिव होना चाहिए. हर किसी भी एग्जांपल पे आप ऐसे बात कर सकते हैं, मैं सिर्फ बैंक की एग्जांपल देता हूँ. 9 बजे बैंक ऑपरेटिव होना चाहिए, 9 बजे बैंक केपेबल होना चाहिए कि आपके आपको चेक से कैश दे सके. आप चेक दें तो बैंक जो है वो आपको कैश देते हैं, रूल्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ. 9 बजे बैंक को बैंक केपेबल होता है कि आप पैसे जमा कराने आए हैं और आप काउंटर पर पैसे रखें तो पैसे रिसीव करने वाला आदमी मौजूद हो. फर्ज करते हैं कि 9 बजे कोई एक ब्रांच ऐसा नहीं कर पा रही है, उसका काउंटर पे लड़का नहीं आया, कैशियर नहीं आया हुआ, कैशियर ही कहते हैं आई बिलीव, देन वुड यू लाइक टू रेज योर वॉइस? क्या आप बैंक मैनेजर को रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं? और फर्ज करें तमाम स्टाफ ही नहीं आया और तमाम ब्रांच ही नहीं खुली हुई, तो क्या आप बैंक के वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट भी उसी ब्रांच में बैठता है, नहीं आया, ताला लगाया, कोई भी नहीं आ रहा, गवर्नर स्टेट बैंक को कभी आपने एप्लीकेशन लिखी कि मैं ब्रांच में आया जी, ब्रांच बंद पड़ी हुई थी, मैं नादरा के दफ्तर में गया, चेयरमैन नादरा की बात करो, मैं नादरा किसी ब्रांच में गया नादरा के, नादरा बंद पड़ी हुई थी तो आपका ये ब्रांच कैसे, क्या आपने कभी लिखा? और अगर आपने लिखा तो क्या उसका रिस्पॉन्ड नहीं आया? सच बोले, रिस्पॉन्स आता है. आप क्या आप तैयार हैं? सवाल ये नहीं, सवाल ये कि क्या आप तैयार हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए? आपको तैयार होना चाहिए. जहां आप समझते हैं कि गलत बात हो रही है, अपनी आवाज जरूर बुलंद करें. दुरुस्त बात पे, मेरिट की बात पे अगर आप स्टैंड देंगे कि लेट्स एज्यूम आप किसी अपने जायज काम के लिए गए हैं जिसके लिए महकमाती तौर पे आपसे रिश्वत तलब की जाती है, लेट्स एज्यूम इट, तो क्या कभी आपने आवाज बुलंद करने की कोशिश की कि मैं अपना अपना अकाउंट्स फला फला महकमे को मैंने सप्लाई दी, स्टेशनरी की सप्लाई दी, और स्टेशनरी की सप्लाई करने के बाद जब मैं वहां से चेक क्लियर कराने के लिए गया हूं, अपना 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 खाता क्लियर कराने के लिए, अपने पेमेंट्स लेने के लिए गया हूं, तो महकमे के लोगों ने उसके अकाउंट्स ये जो भी हो उन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, क्या आपने अपनी आवाज बुलंद की? तो फिर ये कहना कि ये तो जनाब सिस्टम ही खराब है, बड़ी आसान बात है. ऐसे अल्फाज कहना तो बहुत ही आसान बात है. आवाज बुलंद की, सवाल बड़ा आसान है, सवाल बहुत आसान है. चलें और तरीके भी लेके चलते हैं. क्या आपको ऐसा फोरम नहीं मालूम कि जहां आपको आवाज बुलंद कर, आप आवाज बुलंद करें ना करें, ये आपका हक है. क्या आपको ऐसा फोरम नहीं मालूम? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब क्या वो इम्प्लेस नहीं हुआ हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इम्प्लेस नहीं है? आवाज आप अपनी बुलंद करते हैं या नहीं करते, ये तो आपका अपना अपनी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है. लेकिन इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, और सबसे बढ़ के अगर आप समझते हैं कि किसी भी महकमाती और गैर महकमाती मामलात में अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो अदालतें तो मौजूद हैं. मुश्किल तो होती है,
हक के सच के रास्ते पे चलने वाले को मुश्किल तो होती है। कोशिश करके देखिए एक दफा, लेट्स सी, एक दफा कोशिश करके देखते हैं। इस सिस्टम के बिलीवर बनते हैं कि ये सिस्टम हमें हमें हमारी बात सुनेगा। बिलीवर बन के देखते हैं, बिलीवर बन के देखते हैं कि हम अपना पासपोर्ट बगैर शॉर्टकट के लेंगे, हम अपना आईडी शॉर्टकट के बगैर लेंगे। अब तो सिस्टम ही ऐसा बन गया है, हम अपना टेलीफोन बिजली का जो जो टेलीफोन लगाना या बिजली या गैस का मीटर लगाना या और आप किसी एस्पेक्ट पे बात कर लें, मिसाल के तौर पे पटवार खाने में जाके अपने जमीन की फर्द हासिल करना, लेट्स लुक इनटू इट। दूसरा रास्ता अगर आप सोचते हैं कि नहीं जी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आई बिलीव पॉसिबिलिटीज तो हैं मौजूद हैं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है यार, एक बार ट्राई करके देखते हैं। दूसरा तो हमेशा आपके पास रास्ता होना, मुश्किल बातें हैं। चले जनाब कंक्लूजन पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो दैट कुड बी स्टडीज इन थ्री हेड्स, लेजिस्लेटिव और रूल मेकिंग, सेकेंडली प्योरली एग्जेक्टिव, और थर्ड जो है वो ज्यूडिशियल और एडजुडिकेटिव। इसके हवाले से अगर हम एक आसान सी एग्जाम्पल दे रखें और वो ये कि आपको ये कारोबार करना चाह रहे हैं और कारोबार कराने के लिए आप अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं और फर्म को रजिस्टर कराने के लिए आप रजिस्ट्रार और फर्म के पास पहुंचे हैं, तो उसका लेजिस्लेटिव या रूल मेकिंग क्या होगा कि फर्म की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक अपना प्रोसीजर का लेजिस्लेटिव का मतलब होता है रूल मेकिंग, अपना प्रोसीजर बनाना है कि किस तरीके पे, मिसाल के तौर पे जो जो पार्टनर्स आएंगे उन सबके आईडी कार्ड होने चाहिए, ऐसा ही है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इससे मुतालिक कोई रूल मेकिंग बनाना, दैट इज जो जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के तहत पहला काम जो है उसका वो लेजिस्लेटिव के तौर पे क्या काम करता है, रूल मेकिंग करता है। प्रोसीजर यानी प्रोसीजर, इसके हवाले से हम देखें तो प्रोसीजर बना रहे हैं कि प्रोसीजर क्या होगा किसी भी फर्म, ये तमाम किसी भी नहीं बल्कि तमाम फर्म्स के डिसीजन के लिए प्रोसीजर क्या होगा, आइंदा के लिए क्या ऑप्ट किया जाएगा, किस तरीके कार पे रखा जाएगा। इसकी दूसरी एग्जाम्पल, जब आप ब्रांड न्यू पुरानी गाड़ियों के लिए नहीं है लेकिन अगर आप नई गाड़ी के डिसीजन के लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन में अब आपसे आपका जो जो टैक्स आपने कितना दिया है, जाहिर नई गाड़ी खरीदी है पहले नहीं मांगते थे, अब आपसे मांगते हैं कि अपनी टैक्स रिटर्न भी आपके पास हो, आपने कितना टैक्स दिया उसका कुछ सबूत आपके पास मौजूद हो, पहले नहीं था। यानी प्रोसीजर जो है वो टाइम एंड अगेन बेहतर इम्प्रूव होता जाता है। फिर आता है जनाब प्योरली एग्जेक्टिव, यानी फर्स्ट आपने प्रोसीजर बनाया और अब वही आदमी जो है वो एग्जेक्टिव के काम कर रहे हैं, और एग्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो रूल बनाए हैं उसको मैंने फॉलो करना है, मैंने ही रूल बनाए थे लेकिन अब मैं इन रूल्स को फॉलो कर रहा हूं, दैट इज दी एग्जेक्टिव। यानी किसी भी पार्टी को रिजेक्ट कर दे कि जी आप जब आपने इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म दैट द पार्टी और द जिसे कहें कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी ही मस्ट प्रोसीड बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, लेकिन अगर मौजूद नहीं है, नहीं आया है, तो
मेरे अपने बनाए हुए रूल्स के मुताबिक अगर कोई शख्स मेरे सामने नहीं आ रहा तो मैं बतौर एग्जेक्टिव अथॉरिटी मैं इस मामले को कहूंगा कि नहीं जी, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड, आपको मैं रजिस्टर नहीं करता हूं। और तीसरा काम जो होगा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का, वो जुडिशियल या एडजुडिकेटिव काम क्या होगा, वो ये काम है कि अब वो पार्टी आई है जी मैं आ रहा था जनाब लेकिन एक्सीडेंट हो गया, सो उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या पार्टीज के आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री जिसे कहते हैं जहां पे आपके जमीन की मिल्कियत की रजिस्ट्री होती है, तो जो सब रजिस्ट्रार तहसीलदार जो होता है वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि रूल्स बनाए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, विटनेसेस कैसे आने चाहिए, जब विटनेसेस वगैरह आपके सामने आ गए तो प्योरली एग्जेक्टिव फिर काम करना शुरू किया कि जी जो रूल हमारे पास अवेलेबल है उन रूल्स के मुताबिक क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या पार्टीज की प्रेजेंस वगैरह मौजूद है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इनकार कर दिया, जब इनकार कर दिया तो पार्टी दोबारा भी आ सकती है, आने के बाद वो हियरिंग में आएगी और कहेगी कि यार वो मसला ही हो गया था साहब जी के दूसरी पार्टी जो थी वो लाहौर से आ रही थी और रास्ता बंद हो गया था या कराची से आ रही थी जहाज नहीं चल, वट एवर, लेकिन वो अपने दिए हुए फैसले पे कि इनकी मैं इनको मैं रजिस्टर नहीं करता, उस पर भी का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी वो ज्यूडिशियल या एडजुडिकेटिव उसको वो रिवाइज कर सकता है अपने ऑर्डर को। तो तीन तरह के काम होते हैं अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे। आगे चलते हैं। नेचर क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के? इट्स अ न्यू ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ न्यू ब्रांच एंड इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो कि हम टाइम एंड अगेन पढ़ भी चुके हैं और पढ़ रहे हैं इससे आगे। इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। इसमें यह है जनाब के सो दैट द डिस्क्रिशनरी खैर है बेटा, बूढ़ा आदमी हो, ऐसे हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, डिस्क्रिशनरी पावर्स कि मैं जनाब आपका चेक कैश अभी नहीं कर रहा, आप बैठ जाए लाइन के आखिर में, हो अब बारी आ गई है, लेकिन मेरी ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि आपका चेक अभी कैश नहीं कर रहा, इनको मिनिमाइज, इनको समहाउ एब्सोल्यूट कर देना कि आपकी डिस्क्रिशनरी पावर्स कम से कम या ना हो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक ये भी एस्पेक्ट है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक ये भी कंसेप्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो दैट रिफ्लेक्ट्स द मैनर, किस मैनर में, किस तरीके कार में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, और वाज़ह है जिससे कि हम लोगों ने भी देखा था कि उसकी कम से कम या ना होने वाली जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर्स वो खैर है, हंसो नहीं यार। ओके, एंड देन तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो रेमेडीज बताता है। रेमेडीज किसे कहते हैं? रेमेडीज का मतलब ये होता है कि आप
आपका किसी आदमी ने झगड़ा हो गया, और उस आदमी ने दो आदमियों को झगड़ा हो गया, एक शख्स ने आपके साथ झगड़ा करने में आपको मारा पीटा और गालियां दी और असला निकाला और वगैरह, अब आपके पास रेमेडीज क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, ये आपकी रेमेडी है, रेमेडी है ये वाली, कि आप पुलिस के पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है, या आपका मुल्क से बाहर जाने के सिलसिले में वो आजकल काफी लोग काम कर रहे हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, और अगर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में आपके साथ कुछ सलूक हो, नामुनासिब सलूक हो, तो आपके पास उसकी रेमेडी ये है, एंड देन यू बिकेम द एग्रीव्ड पार्टी, आपके साथ ज्यादती हुई है, देन यू आर द एग्रीव्ड पार्टी, और आपके पास रेमेडी ये है कि आप FIA या जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, मैं हर एक का नाम अलग अलग नहीं ले रहा, जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं आप उनके पास जा सकते हैं, आप अदालत में जा सकते हैं, ये आपके पास रेमेडीज है, ये आपका अजाला है, ये इस तरह आपको आपका हक वापस लेने का तरीकाकार है। तो हम बात कर रहे थे पटवार खाने के लिए, पटवार खाने में अगर आप के कानूनी तौर पे आपको आपको आपकी फर्द मिल जानी चाहिए है, या आपका आप 9 बजे बैंक में पहुंचे हैं और 9 बजे बैंक ऑपरेटिव हो जाना चाहिए और 9 बजे बैंक ऑपरेटिव नहीं है, तो आपकी रेमेडीज क्या है, यू आर दी एग्रीव्ड पर्सन एट दैट टाइम, तो आपकी आपके पास रेमेडीज क्या क्या है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये रेमेडीज पर भी बहस करता है, रेमेडीज भी बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने अपनी पावर्स एब्यूज की हैं, तो अब आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो एब्यूज ऑफ पावर है वो तो मौजूद है, और ना सिर्फ हमारे पास बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज जिनके हम एग्जांपल दे रहे होते हैं, टाइम एंड अगेन एग्जांपल दे रहे होते हैं, मैं यूरोप की अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी ये डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उन पावर्स की वजह से इट इज सेड के वो एब्यूज ऑफ पावर वहां पर भी है, पाकिस्तान में भी है, वहां पर भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में पाकिस्तान के लोग रहते हैं, तो हम बतदरीज इन सोशल लेवल्स पे, या जिसको आप कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कमजोरियों पे, हम बतदरीज इससे बेहतर होते चले जाएंगे, और वी विल ओवरकम दिस इवल, वी विल ओवरकम दिस इवल, हम इस पे हम कवर कर लेंगे और इन बुराइयों को कम से कम या ना होने के बराबर हो जाएंगी। लिहाजा आपके जो तरीक़ेकार प्रोसीजर ही की बात कर रहा हूं, लिहाजा अब से चंद साल पहले की बात बता रहा हूं, जो कि यू हैव विटनेस देयर ऑफ, आप लोगों ने खुद वो मामला देखा, देख चुके हैं कि घर पे मौजूद ख्वातीन को एब्नक्शियस कॉल्स आती थी, तंग करने के लिए कॉल आती थी, जो कि कम हो गई है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि खत्म हो गई है, प्रोसीजर एडॉप्ट हो रहे हैं, आप कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, कर लेते हैं, मुश्किल आसान, लेकिन प्रोसीजर इज देयर। अगला देखते हैं जनाब, नेक्स्ट पे आ गए हैं कि एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे को हम अनचेक नहीं छोड़ सकते हैं, हम उसको अनचेक नहीं छोड़ते हैं, उन पे भी क्रॉस चेक है कि वो अपनी पावर्स को जिसे कहते हैं ना यार एब्सोल्यूट पावर्स
एब्सोल्यूट पावर्स एंड्स अप विद द एब्सोल्यूट करप्शन. तो एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है उनके पास, उनकी पावर्स को मॉनिटर किया जाता है. याद करा दूं आपको एक छोटा सा वाक्य इस दौरान में इसी हवाले से कि तहसीलदार साहब, एक डिस्ट्रिक्ट के तहसीलदार साहब ने तीन चार साल पहले कही वाक्य बता रहा हूँ, बहुत पुराना वाक्य नहीं बता रहा हूँ. उन्होंने फर्द इशू करते हुए लाजमी कर दिया कि जनाब जो भी शख्स फर्द इशू कराना है पटवार खाने में, जो भी मेरे अंडर जो भी शख्स फर्द इशू कराने आएगा वो अपना मोबाइल नंबर उस फर्द पे ज़रूर लिखेगा. और तहसीलदार साहब ने जो था वो उसको उन लोगों को फ़ोन करते और पूछते भाई आपने कुछ किसी को रिश्वत तो नहीं दी है. और उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में ये रिश्वत का सिलसिला ख़त्म हुआ. और ना सिर्फ उनके पास ख़त्म हुआ बल्कि ये प्रोसीजर तो जो था दैट वाज ऑप्टेड थ्रू आउट द प्रोविंस, मीनिंग देयर बाय कि इस एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को अनचेक नहीं छोड़ा जा सकता. आगे चल रहे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. जो असल प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हवाले से, वो ये कि हर इंडिविजुअल को हर इंडिविजुअल को इस सोशल वेलफेयर सोसाइटी में उसका हक उसकी दहलीज पे मिल रहा हो, बजाय इसके कि अगर उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती हुई और वो अपनी आवाज़ बुलंद करे और आवाज़ बुलंद करने के बाद उसको एड्रेस किया जाए, उसके उस एग्रीड शख्स के मसले को एड्रेस किया जाए, उसको किसी किस्म की कोई आसानी पहुंचाई जाए. उसके उससे अगले स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि हर इंडिविजुअल को उसके डोर स्टेप्स पे लॉ सपोर्ट कर रहा हो. वो जो एक छोटा सा कंसेप्ट है ना कि जहां जुल्म होगा, जहां ज्यादती होगी, वहां अथॉरिटीज खुद पहुंचे. एक सूबे में तो मोबाइल कोर्ट्स शुरू हो गई हैं. अगर हम बात करेंगे जनाब, कुछ सवाल मैं दरमियान में छोड़ देता हूँ, जाके आप उसको खुद से असेस करें, खुद से असेस करें. अखबार पढ़ा करें, टीवी देखा करें. टीवी से मुराद मैं गानों के और ड्रामों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ देखा करें. किसी भी चैनल की एक आध घंटे की खबरें ज़रूर देखा करें. आप कंप्यूटर बेस्ड लोग हैं, नई नस्ल के लोग हैं, जवान लोग हैं, अगर आपके पास टीवी एक्सेस नहीं है, अखबार एक्सेस नहीं है, तो जितना काम, जितनी देर आप फेसबुक पे बैठते हैं, थोड़ा सा टाइम कंप्यूटर पे बैठ के भी अखबार वगैरह पढ़ लिया करें, बुक्स पढ़ा करें. नंबर ऑफ बुक्स हैं, बहुत अच्छी, बहुत ही बेहतरीन बुक्स होती हैं. मेरे रिकमेंड करने की जरूरत है ही नहीं. आप अपने टेस्ट के मुताबिक, शायरी पसंद है, आपको हल्की फुल्की मिजाही किताबें अच्छी लगती हैं, अदब पे किताबें अच्छी लगती हैं. और मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब आप अंग्रेजी जो राइटर्स हैं उनको ना पढ़ें या उनको ही पढ़ें, तमाम तरह की बुक्स पढ़ा करें. इससे आपका जो डेटा बैंक है वो बड़ा होता है. जो चीज़ें मास्टर्स लेवल पे हैं, जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जिस तरह असल मैंने यहाँ से शुरू किया था कि कुछ सवाल तिश्ना छोड़ दिए हैं आपके लिए, वो इसी वजह से तिश्ना छोड़े हैं कि पढ़ लें थोड़ा सा. कोर्स के अलावा, कोर्स तो आप
ظاہر ہے پڑھ ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی جس طرح آپ کو بتایا نیوز کا یا آپ کو بتایا ہے بکس کا یا آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو نیوز سن ہی لیا کریں, لیکن کریں, آپ کو بہت فائدہ دے گا یہ. جناب جہاں تک اس کے ایڈمنسٹریٹو لا کے ڈیفینیشن کا سوال ہے, تو بہت سارے جورسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لا پہ کمانڈ رکھتے ہیں اور لا پہ اپنی ایک سوچ, اپنی ایک جو ان کی وزڈم ہے, جو ان کا ویژن ہے, لیکن سم ہاؤ جو جتنے جورسٹس ہیں وہ دے ہیو ڈیفائنڈ دی نیچر اینڈ اسکوپ آف ایڈمنسٹریٹو لا, لیکن اسے جسے کہتے ہیں نا کمپریہنسو, ایک کمپریہنسو کہ دس از ایڈمنسٹریٹو لا, اس پہ اس کو کور نہیں ہو سکا, لہٰذا کوئی سیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. جو کچھ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں, جو کچھ آپ کے ذہن میں, جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے, وہ سارا ایڈمنسٹریٹو لا میں آ رہا ہے. ہمیں بس یہ تو پتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لا اور کانسٹیٹیوشنل لا دونوں بالکل مختلف ہیں. کانسٹیٹیوشن از دی اسکیلیٹن آف لا, از دی اسکیلیٹن آن وچ دی لا آر میڈ. وہ قانون بنانے کا بنیادی ڈھانچہ ہے, لیکن اگر ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریٹو لا کی تو بہت سارے دیگر قوانین جو لوگوں سے متعلقہ ہیں وہ تمام کے تمام ایڈمنسٹریٹو لا میں آتے ہیں, اور لہٰذا اس کو ایک مکمل کمپریہنسو جو اس کی ڈیفینیشن ہے دیٹ از ناٹ اویلیبل, موجود نہیں ہے, ہے نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی حوالے سے اس حوالے سے ڈیفینیشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں, جو کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں سے بیشتر مواد بکس سے نہیں بلکہ ویب سائٹ سے لیا گیا ہے. سو بکس میں تو ہے ہی ہے, لیکن بیشتر مواد ویب سائٹ سے لیا گیا ہے. یعنی جو چیزیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں مزید پڑھنے کے لیے, اگر آپ انٹرسٹ لیں تو ضرور دیکھیے گا, ویب سائٹس کو دیکھیں. بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کہ اس سے آپ کے پرابلم سے متعلق آپ کو ایڈریس کرتی ہیں, تو ضرور پڑھیے گا ضرور. بہرحال ہم آگے نکل آئے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کی کوئی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن نہیں ہے, جسے کہتے ہیں سکہ بند ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے. مختلف جورسٹس نے اس کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے, جیسے کہ آئیور جیننگز جو ہیں پروفیسر تھے, یہ فرماتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو لا از دا لا ریلیٹنگ ٹو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز. بہت وائڈر ہے, بہت ہی وائڈر ہے, کیونکہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ ایڈمنسٹریٹو لا از ریلیٹنگ ٹو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ریلیٹڈ ود دی پبلک ایٹ لارج, جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. انہوں نے صرف کہا جی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز سے متعلق ہے, یا یہ کہ یہ ایڈمنسٹریٹو لا اور کانسٹیٹیوشنل لا جو کہ الگ ہیں, ان سے متعلق یہ ڈیفینیشن بحث نہیں کرتی ہے. کیسی ڈیوس صاحب فرماتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو لا is concerning with the powers and procedure of administrative agencies. Again, بالکل کرتی ہے جی administrative agencies سے, but at the same time یہ administrative law is related to public. لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بنتا ہے, وہ نہیں انہوں نے اپنی اس ڈیفینیشن میں نہیں لے کے آئے. اور گرفت اور اسٹریٹ صاحب جو گرفت اینڈ اسٹریٹ تھے صاحبان, انہوں نے کہا کہ آبجیکٹ کی بات کی ہے, کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو لا از دی آپریشن اینڈ کنٹرول آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز. آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز اونلی, یا آپریشن اینڈ کنٹرول آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی, دیٹ از ناٹ کنٹرول اینڈ آف ایڈمنسٹریٹو, دیٹ از دی سرو کرنا. یعنی ہم دوسرے انداز میں بات کر رہے ہیں, ہم
एक सोशल वेलफेयर मुल्क के वी आर अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर कंट्री पाकिस्तान. हम यहाँ पे अथॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पावर्स को पे को की यूटिलाइजेशन की ऐसे बात नहीं कर रहे कि मैंने कह दिया तो, लेकिन हम सर्विस की बात कर रहे हैं, हम सबमिसिव बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. लिहाजा जो इनकी डेफिनेशन है ये भी उस हद तक नहीं है, वो वही बात सिक्काबंद नहीं है. अगर इसमें इम्प्रूवमेंट करें तो प्रोसीजर और रेमेडीज, जब हम डिस्कस कर रहे थे क्या प्रोसीजर होगा क्या रेमेडीज होगी, इस बारे में ग्रिफ्थ ने और स्ट्रीट्स ने बात नहीं की. इनकी डेफिनेशन जो है वो उस लिहाज से भी थोड़ी सी नैरो डाउन है, कंप्लीट पिक्चर पेश नहीं करती है. गार्नर साहब फरमाते हैं the rules which are recognized by the court as law, और यानी अदालत उसको as law मानती है, और जो administer करेगी, जो improvement लेके आएगी, regulate करेगी government agencies को, that is administrative law. Well, वो जो इससे पहले हम इस पे क्रिटिसिज्म साथ कर रहे हैं तमाम डेफिनेशंस पे, इसके ऊपर भी यही आता है कि जो इसका यूनिट है, इसका बेसिक यूनिट है, यानी हम अगर आवाम की बात करें, ये डेफिनेशन भी आवाम के साथ बात आवाम का तस्करा नहीं है. जिन मुझे और आपको, जिन लोगों को जो रेमेडी जो चाहिए है, जिनको रिलीफ देना है, उस रिलीफ के हवाले से बात नहीं कर रही है. एंड दिस इज इट. थैंक यू वेरी मच. दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू. खुदा.